बिग बॉस सीजन 13 के एक्स कंटेस्टेंट अरहान खान की एक्स गर्लफ्रेंड अमृता धनोहा गिरफ्तार हो गई हैं। अमृता धनोहा की गिरफ्तारी गोरेगांव के एक 5 सितारा होटल में चल रही पार्टी से की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि यह गिरफ्तारी सेक्स रैकेट में शामिल होने के चलते पुलिस रेड के दौरान ही की गई है। वहीं अमृता धनोहा के अलावा पुलिस रेड में एक अन्य संघर्षरत अभिनेत्री को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्हें आज मंझगांव कोर्ट में पेश किया जाएगा। अमृता धनोहा ने पिछले कुछ दिनों में अरहान खान से अपने टूटे रिश्ते के चलते काफी सुर्खियां बटोरी हैं। अरहान खान बिग बॉस के मौजूदा सीजन 13 के कंटेस्टेंट है और हाल ही में शो से एडिक्ट हुए हैं। अरहान इस समय टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई को डेट कर रहे हैं, जो अभी बिग बॉस के घर में मौजूद है। मुताबिक दोनों अभिनेत्रियों को धारा 370 और 34 के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन पर अनैतिक तस्करी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पता चला है कि दो अन्य स्पॉट्स भी पकड़ी गई हैं। ये भी बताया गया है कि जब अमृता को पुलिस रेड का पता चला तो उन्होंने भागने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ने में कामयाब हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद अमृता से संपर्क किया गया। शुरुआत में उन्होंने इनकार किया, लेकिन जब उनसे मामले की डिटेल बताई गई तो उन्होंने कहा कि कुछ गलतफहमी हुई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है, ये सब अरहान खान की साजिश है, अरहान ने मुझे फंसाया है। यह एक सामान्य पार्टी थी जो होटल के एक सुइट में चल रही थी। अमृता को डिंडोसी पुलिस स्टेशन ले जाया गया है।